नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह 4:45 और ऐसे में हम लोग यानी हम और कुंदन जा रहे हैं 150 किलोमीटर दूर। इतना सवेरे इसलिए निकले हैं ताकि टाइम पे पहुंचे और जितना मेहनत किए हैं उसका परिणाम लेकर के आए और आपके साथ साझा करें। सब आपके लिए है क्योंकि आपका प्यार हमारे साथ बना रहेगा, तो हम इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे पूरे जुनून के साथ। तो दोस्तों अभी देखिए, इसमें भी 4:51 हो रहा है और अपना नेविगेशन सिस्टम मोबाइल में लोकेशन फिट कर दिए हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। और देखिए जैकेट के ऊपर से जैकेट पहने हुए हैं, इसमें दस्ताना पहनेंगे, दो दो हेलमेट है, एक मेरे लिए और एक कुंदन जी के लिए, और पूरा इसमें साजो सामान का जो है चीज है। कुंदन जी आप कुछ बोलना चाहिएगा? तो चलिए वहीं पे बोलेंगे। अरे कुछ मत बोलिए, इतना भाई मत शर्माइए, अपना काम है। तो दोस्तों अभी देखिए हम लोग तैयार हैं जाने के लिए 150 किलोमीटर, तो आप लोग भी। हालांकि आपको तो पता चल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, फिर भी सस्पेंस रहने देते हैं, पहुंच के आपको बताते हैं, क्योंकि पहले बता देने से मजा खत्म हो जाता है ना कुंदन जी। तो चलिए पूरा सेटअप लगाते हैं और निकलते हैं अपनी जर्नी की ओर। घंटे के सफर अंतराल में 125 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं हाजीपुर, और ये है नेशनल हाईवे 3। बात बताएं, हमें लगता था कि नेशनल हाईवे डबल वे में होता है, पहली बार जाने कि सिंगल वे में भी हो सकता है। और क्या बताएं, इतना ठंड लग रहा है कि घोड़ा तो मिलेगा नहीं कहीं पे। हम इसको छू छू के ये इंजन को हाथ को गर्म कर रहे हैं और हाथ इतना टाइट हो गया, पूरा बॉडी सर्द हो गया है। जैसे ही यहाँ पर उतरे ऐसे लग रहा है सर्द बना रहे, पूरा बॉडी हिल चुका था और दो दो हेलमेट था, और ये था जान बचाने के लिए, तो सर्दी हो जाता है। और ये देखिए अपना ये भाई बहुत मददगार साबित हुआ, लेकिन इसकी भी बैटरी अब 11% है, तो ये भी डाउन होने को है। 2 घंटा लगा, बहुत जल्द इसमें चार्जर लगवा लेंगे तो इसका भी टेंशन खत्म हो जाएगा। अभी देखिए 7:28 हो रहा है, और एक बात बताएं, नेशनल हाईवे में गाड़ी चलाए हैं, गाड़ी माइलेज बहुत दे दिया है, मतलब इतना किलोमीटर चलाने के बाद ही 5 खुट्टी में से 1 खुट्टी जो है ये डाउन हुआ है, अभी डाउन हुआ है अभी, और लगभग टंकी पूरा फुल था, और अभी खोलने से लग रहा है कि लगभग 80% तेल है, यानी कि घर जाते जाते भी आधा तेल बचे जाएगा, और हम सोच रहे थे पूरा टंकी खाली हो जाएगा। अभी भी देखिए हम दोनों का हालत खराब हो रहा है। देखिए एक ये पहने हुए हैं, ये हवा को अंदर नहीं जाने देता है, बहुत पतला है, उसके अंदर ये जैकेट पहने हुए हैं, उसके अंदर ट्राउजर पहने हुए हैं, शर्ट है, उसके अंदर गंजी है। इसमें हम पहले मुंबई में काम किया करते थे सिर्फ एक्सप्रेस वेयर हाउस में, उन्होंने कुछ बोलिएगा ये देखिए बोल भी नहीं पा रहा है। सच बताए ये भी मतलब काम नहीं कर रहा है, और लगभग लाइफ में पहली बार हम लोग इतना दूर चले आए हैं, लगभग 700 किलोमीटर लाइफ में पहली बार 2.5 घंटा ट्रेवल्स किए बाइक पे बैठे नहीं रुके, और दो दो हेलमेट ले लिया है, और अपने पास कागज भी पूरा है तो टेंशन नहीं है। लेकिन इतना दूर चलने के बाद हमें एहसास हुआ कि ये हाथ नहीं काम कर रहा था, एक्सीलेटर वाला तो हम घुमाते रहते हैं, लेकिन दस्ताने पहने हुए थे वो भी मोटो के लिए ही है, और लेकिन ये हाथ नहीं काम कर रहा था, टाइट हो गया था। मुझे लगा नहीं भैया अब रोक लेते हैं, आगे कोई चाय का दुकान होगा तो वहाँ पे चाय पी लेंगे, और यहाँ देखिए नल भी है लेकिन पानी छूने का मन नहीं कर रहा है, वाह इतना ठंडा लग रहा है, और गाड़ियाँ सुई सुई मार के जा रही है। अभी अपना सूर्य देवता भी देखिए, उधर देखिए सूर्य उदय भी हो चुका है, लगभग हम लोग सुबह 4 बजे ही उठे थे और आते आते सेटअप लगाते लगाते 5 बज गए थे, यानी कह सकते हैं घर से 5 बजे चले थे और 7:30 हो रहा है, और 8:30-9 बजे तक पहुंच जाएंगे जहां पे हमें पहुंचना है। और जैसे ही पहुंचेंगे आपके साथ जो चीजें शेयर करेंगे आप भी कहिएगा भैया मेहनत तो लगा है लेकिन चीजें पसंद आई, ठीक है। तो चलिए अब किसी चाय की दुकान पे रुकते हैं ना जी, जी, जी। वो कुछ बोलिएगा, बोलिए बोल दिए, ठंड से भाई हालत खराब है। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पटना, और अभी सुबह के बज रहे हैं 9, और जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने घर से चले थे सुबह 5 बजे, क्योंकि 4 बजे सो के उठ गए थे, और पूरा पैकिंग करने में 1 घंटा तो लग ही गया था,
और लगभग 3.5 से 4 घंटा लगा है घर से यहाँ तक आने में। और जिंदगी में हम दूसरी बार किसी जू में विजिट किए हैं। इससे पहले दिल्ली जू पे हम विजिट किए थे, उस दिल्ली जू का जो व्लॉग था वो लगभग वायरल ही हो गया था, 35 लाख लोगों ने उस व्लॉग को देखा था। फिलहाल ये दूसरा विजिट है व्लॉग को लेकर के। और ये जो जू है ये है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, यानी कि पटना जू, पटना का चिड़ियाघर। और इस वक्त हम लोग खड़े हैं पार्किंग एरिया में और अपनी बाइक लग पड़ी है और हेलमेट उन्होंने कहा है कि आप अपने साथ लेके जाइए ना जी। एक हेलमेट कुंदन के पास है और एक हेलमेट अपने पास है, ऐसे करके लेके चलेंगे। अभी हेलमेट जो जमा करते हैं वो नहीं करते। ये पार्किंग एरिया है, अब आते हैं, जितना पैसा लगेगा उतना हम पेमेंट करेंगे। ये पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है। कुंदन जी आप भी व्लॉगिंग शुरू कर लीजिए, ठीक है? हम जाते हैं टिकट कटवाते हैं, ठीक। अब कुंदन व्लॉगिंग शुरू करेगा। ज्यादातर जू में घूमने के लिए छात्र आते हैं, छात्रों के लिए परफेक्ट जगह जू होता है। अभी हम लोग पार्किंग से बाहर निकलते हुए अंदर जा रहे हैं जू के अंदर। हम सोच रहे थे कि रास्ता में चाय पी लेते हैं, लेकिन चाय पीते पीते हम लोग पहुंच गए पटना। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर चाय का कैटरिंग होगा तो हम कैंटीन होगा तो चाय पियेंगे फिर अंदर चलेंगे। ढूंढते हैं चाय का दुकान। यहाँ पे देखिए फास्ट फूड के दुकान लगे पड़े हैं, हम चाय की दुकान खोज रहे हैं। चाय की दुकान मिल नहीं रही है, ज्यादातर फास्ट फूड के दुकान है। मुझे नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम विजिट किया हूँ। चाय की दुकान नहीं है लेकिन सबके सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन चाय की दुकानें नहीं है। तो लीजिए, ये है पटना जू का फ्रंट लुक, यानी मुख्य द्वार। चाय नहीं मिल रहा, चलो की कर बे तब। दोस्तों ये है जू का फ्रंट लुक और बाकी चीजें आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको दिखाते हुए चल देंगे। लेकिन जो ये जू है दिल्ली जू के मुकाबले ज्यादा ये नहीं है, मतलब विशेष नहीं है, लेकिन जो भी है खास है। और आज जो है अपना ये कैमरा कभी रुकने वाला नहीं है। चलिए अभी टिकट काउंटर पे चलते हैं और टिकट कटाते हैं। देखिए फ्रंट ऑफ, यहाँ पे जितने भी जानवर हैं उनको चिपकाया हुआ है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग। उधर छात्र हैं जो देखने के लिए आए हैं और कुंदन है स्लो मोशन में वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा है। दोनों के हाथ में हेलमेट है और ये है नेशनल हाईवे। चलिए टिकट काउंटर पे चलते हैं। प्लास्टिक बोतल मना है, प्लॉथिन एवं थर्मोकोल मना है, चिप्स कुरकुरे आदि का पैकेट नहीं ले जा सकते, सिगरेट गुटखा पान मसाला लाइटर माचिस आदि, खाना बनाना एवं मांसाहारी भोजन ले जाना, खेलकूद सामग्री यथा बैट बॉल बैडमिंटन रैकेट गुब्बारा इत्यादि किसी भी प्रकार का अग्नियंत्र बंदूक या राइफल अंदर ले जाना वर्जित है। अडल्ट के लिए टिकट जो है 30 रुपये है, अडल्ट यानी 18 से ऊपर, और चाइल्ड के लिए 10 रुपया। चलिए टिकट कटवाते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं टिकट कटवाने के लिए, दो टिकट लेना है, बाकी अंदर का अंदर में मिलेगा ना। बोलिए हमें ठीक से पता है। दोस्तों हमने टिकट कटा लिया है, एक है कुंदन के लिए और एक है मेरे लिए।
तो कुंदन जी आप अपना टिकट रखिए। तो फाइनली दोस्तों मेरा टिकट आ चुका है, बाकी पैसा इसी में रख लेते हैं। अंदर में भी कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे हमें टिकट कटवाना पड़ेगा, तो ये सिर्फ एंट्री के लिए है, बाकी अगर विशेष हमें कुछ करना है तो उसके लिए हमें अंदर में ही टिकट जो है कटवाना पड़ेगा।